वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना के नए डेप्यूटी चीफ बन गए हैं। उन्होंने वाइस चीफ ऑफ नेवी का चार्ज संभाल लिया। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। उन्होंने 4 जनवरी को वाइस चीफ का पदभार संभालने के बाद राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वाइस एडमिरल त्रिपाठी नौसेना की पश्चिमी कमान में कमांडिंग इन चीफ थे। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय जे सिंह की जगह ली है, जिन्होंने पश्चिमी नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का चार्ज लिया है। दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी में साल 1985 में कमीशन हुए थे। नेशनल डिफेंस एकेडमी से अफसर बनकर निकले दिनेश कुमार अब नेवी में नंबर 2 की पोजीशन लेने जा रहे हैं। उन्होंने डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद यूएस नेवल वॉर कॉलेज से नेवल हायर कमांड कोर्स भी किया। वॉर कॉलेज में उन्होंने प्रतिष्ठित रॉबर्ट ई बैटमैन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। वाइस एडमिरल त्रिपाठी को कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पेशलिस्ट माना जाता है। देखिए ना, राम मंदिर को लेकर के किस तरीके की सियासत जारी है, निमंत्रण को लेकर भी सियासत हो रही है। इसी बीच विपक्ष को योग गुरु बाबा रामदेव ने एक नसीहत दी है। क्या है वो नसीहत, देखिए। विपक्ष को नसीहत देते हुए योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि राम पक्ष और विपक्ष में निष्पक्ष हैं। राम सबके हैं, जिनको निमंत्रण मिला है वो भी राम मंदिर उद्घाटन में जाएं और जिनको निमंत्रण नहीं मिला वो भी जाएं। राम पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष है, राम सबके हैं, जिनको कार्ड गया है वो भी आए, जिनको कार्ड नहीं गया है वो भी आए। बाबा रामदेव ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टी अपना अस्तित्व बचाना चाहती है वो राम के बारे में कोई भी गलत बयानबाजी ना करे, नहीं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा कि अयोध्या से निमंत्रण बहुत पहले आ गया है, 6 दिन पहले बुलाया गया है। 2024 चुनाव को लेकर कहा कि अभी बस अयोध्या जाना है, बस और कुछ नहीं। मुझे तो देखिए भूमिका तो हो चुकी, निमंत्रण आ गया है, बहुत पहले आ गया, और हम लोगों को तो, मुझे तो ये कहा गया कि आपको 6 दिन पहले से आना है, तो इसलिए मैं तो 18 को ही पहुंच जाऊंगा। भगवान रामलला के गर्भगृह में लगे दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। राम मंदिर में कुल कितने द्वार होंगे, रामलला का सिंहासन कैसा होगा, देखिए। राम मंदिर में दरवाजों पर सोने की परत, 14 दरवाजों पर सोने की चढ़ी की परत, 30 दरवाजों पर चढ़ेगी चांदी की परत, चांदी के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। भगवान रामलला के परिसर में लगे दरवाजों पर सोने और चांदी की परत चढ़ाने का काम शुरू हो चुका है। गर्भगृह के 14 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी और बाकी 30 दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ेगी। कुल दरवाजे जो है वो 44 लगेंगे। सामने मूर्तियों के प्रमुख दरवाजे हैं वो स्वर्ण जड़ित रहेंगे, बाकी रजत जड़ित रहेंगे। सिंहासन पे भी चांदी की जो है परत लगा दी गई है। गर्भगृह पूर्ण रूप से तैयार है। भगवान रामलला के सिंहासन पर भी चांदी की परत चढ़ाई गई है। रामलला के सिंहासन को इस तरह से बनाया गया है कि दूर से ही भक्तों को रामलला के अद्भुत दर्शन मिल सकेंगे। आपको बता दें कि रामलला के गर्भगृह का काम पूरा हो चुका है और प्रथम तल का भी 80% काम पूरा हो चुका है। और अब बात छत्तीसगढ़ के उस आंदोलन की जो 600 दिन से जारी है और अब इस पर बीजेपी कांग्रेस में सियासत शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य इलाके के जंगलों को बचाने के लिए आदिवासी समाज के लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। दानी कप मंडी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। सरगुजा जिले के हसदेव अरण्य के जंगलों की कटाई की जा रही, जिसे रोकने के लिए आदिवासी पिछले काफी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 2021 में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसदेव को खनन मुक्त रखना चाहिए और साले कोल ब्लॉक निरस्त होने चाहिए। सिर्फ कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए हसदेव के जंगलों को उजाड़ के कोयला खनन किया जा रहा है। दरअसल यहां पर अडानी के प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई का काम चल रहा है, जिसके विरोध में आसपास के आधा दर्जन गांव में रहने वाले आदिवासी समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी इस पूरे मामले पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही। बीजेपी कह रही है ये कॉन्ट्रैक्ट कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय दिया गया था, उनकी सरकार जल्द से जल्द इसका समाधान निकाले। के नाम से आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो।
देखिए कश्मीर में अमरनाथ गुफा के अंदर बाबा बर्फानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के नीति घाटी इलाके में भी एक ऐसी गुफा है जहां पर बाबा बर्फानी दर्शन देते हैं। नए साल पर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 1 नवंबर 2005 से पहले के विज्ञापन के मुताबिक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प खोल दिया गया है। 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सरकारी सेवा में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प देने का निर्णय लिया गया है। 26,000 कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के कुछ दिनों बाद ये फैसला लिया। इन 26,000 कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच चुनाव करने को कहा गया है। पूरे देश के कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी योजना ही लागू की जाए। ABP News आपको रखे आगे।